UIDAI ने अपनी वेबसाइट पर 31 मार्च तक का राज्यवार आधार सैचुरेशन का डेटा पब्लिश किया है। इन आंकड़ों के मुताबिक पूरे देश में 88.6% फीसदी लोगों के पास आधार नंबर है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अब भी एक बड़ा तबका इससे वंचित है। जहां UIDAI देश में आधार पेनिट्रेशन की दरों को 88.6% बताती है, इसी आंकड़े को यदि जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो 14.5 करोड़ से ऊपर लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। 31 मार्च को UIDAI की वेबसाइट पर प्रकाशित स्टेट वाइज आधार सैचुरेशन के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और गोवा जैसे राज्यों में आधार पेनिट्रेशन की दर 100% से ऊपर है, और उत्तर पूर्वी राज्यों से अगर इसकी शुरुआत करें तो सिक्किम और त्रिपुरा के अलावा किसी भी राज्य में ये आंकड़ा 70% से ऊपर नहीं है। यानी इन 7 राज्यों में करीब 3.64 करोड़ लोगों के पास आधार नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां सरकारी आंकड़ों के अनुसार 84% और 80% लोगों तक आधार की सुविधा पहुंच चुकी है, जनसंख्या के हिसाब से 5.64 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। जब देश में 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास आधार नहीं पहुंचा है, तो ऐसे में सरकार को अपनी आधार से जुड़ी नीतियों के बारे में पुनः विचार करने की ज़रूरत है। नमिता सिंह, गो न्यूज़।